दलित अत्याचार और एट्रोसिटी के ऊपर बनी है। हम सीधे जानना चाहेंगे ये फिल्म किस तरीके से इनकी आने वाली है और क्या स्टोरी है इसके अंदर। हम जानेंगे सुदामा वाघमारे जी से, जो फिल्म के डायरेक्टर और राइटर है। नमस्ते वाघमारे जी। नमस्ते। बिल्कुल, उत्तरण जो फिल्म है जो मराठी में बनी है, उत्तरण मतलब जाति की उत्तरण, हमारे भारतीय संस्कृति में या भारतीय समाज व्यवस्था में ये मनुष्य मनुष्य में, हर इंसान इंसानों में जिस तरह का ये भेद किया गया है जन्म के आधार, उनको जो अलग अलग जाति के लेबल चिपका दिए है, ये ऊंचा, ये नीचा, ये सबसे नीचा और सबसे और नीचा, जिसको पैरों तले रौंदा जा सकता है, तो ये जाति के जो उपरण है, उत्तरण है, उसके ऊपर ही आधारित सिनेमा। और उस उत्तरण की वजह से जो जो अत्याचार ऊपर के जाति वालों ने निचली जातियों के जो ऊपर किए है, उसकी ये सदियों से चलती आ रही प्रथा की कहानी है ये उत्तरण। किस घटना पे आधारित है ये उत्तरण? कोई सच्ची घटना पे आधारित है ये फिल्म? जी बिल्कुल। मैंने देखी कि वैसे ये भारत में सदियों से चलता रहा अत्याचार, बहुत बहुत घिनौने अत्याचार दलितों के ऊपर हुए हैं। मंदिर की तरफ देखा तो आंखें छाटने से इसी सजा दी गई है। अगर भूल कर भी किसी वेद को पठन कर लिया तो उनकी जीवा छाटने की तक सजा उनको दी गई है। उनकी छाव अगर किसी सवर्ण जाति पर पड़े तो वहीं पर सौ कोड़े लगाने की शिक्षा भी उन्हें दी गई है। यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने तक से वंचित रखा गया, अन्न खाने से वंचित रखा गया, किसी भी काम को देने तक वंचित रखा गया, और सिर्फ गटर और प्रसंदा साफ करने की काम उनके हाथ में थमा दिए गए। मतलब जानवर से भी बदतर काम उनके नसीब में आए, ऐसे लोगों की कहानी है ये। हमारे दर्शकों को बताइए कुछ सीन फिल्म के अंदर जो है जो दर्शकों को लुभाएगी। बिल्कुल, मैं तो आपको ऐसे कुछ सीन हैं कि जो शायद आपको लोग, इतने घिनौने अत्याचार सदियों से यहाँ की एक धार्मिक व्यवस्था और धार्मिक उन्माद में जी रहे हैं लोग, हम लोगों पर करते आ रहे हैं, वो सचमुच भयानक ऐसी बात है। बहुत सारे सीन हैं, जैसे आप जानते हैं कि एक परिवार 15 साल तक उस गांव ने उसको चला, सिर्फ उनकी तरक्की की वजह से, उनकी जातीयता की वजह से। और एक दिन, दशहरे के दो दिन पहले, सब चारों परिवार को नंगा किया, गांव में घुमाया और महिलाओं पे घंटों तक अत्याचार किया गया। जवान बेटों को नंगा करके फुटबॉल की तरह ऊपर से पटका गिराया गया, मार दिया गया। ऐसी कई बातें हैं उसमें, कहने को भी शर्म आती है। और ये बस ऐसी घटना दोबारा इस देश में ना जन्मे पनपे, इसलिए हम ये फिल्म बना रहे हैं। तो कभी आपकी जो फिल्म रिलीज होगी और कभी दर्शकों को देखने मिलेगी आपकी जो फिल्म? हमारी कोशिश है कि सबसे पहले ये फिल्म अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रिलीज हो, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती का अब समारोप किया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारी ये फिल्म आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा इरादा है। नमस्कार, मैं प्रौरा कुलकर्णी और इस फिल्म में मैंने सविता इसका रोल निभाया है। ये मेरे लिए बहुत ही आव्हानात्मक भूमिका थी। एक दो पहले सर ने प्रॉपरली ऑडिशन हुआ, सर को लगा कि मैं ये रोल निभा पाऊँगी, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं एकदम अचंभित हो गई और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आजकल के ज़माने में ये ऐसा भी होता है समाज में, ऐसे अन्य
हमारी वजह से 0.1% मतलब थोड़ा तो भी ये कम होगा ऐसा मुझे विश्वास लग रहा है। पहले तो नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र मनोज पवार है, मैं नासिक से हूँ। नासिक में जब हमारा मूवी शूट हो रहा था तब सुदाम वाघमारे जी ने हमारा पहले इंटरव्यू लिया था, हमारा पहले एक्टिंग क्वालिटी देखी थी ऑडिशन में, उसके बाद हमें सिलेक्ट किया गया। सिलेक्ट करने के बाद सर ने हमें खुद उनके घर पे बुलाया मिलने के लिए, मिलने के बाद हमें स्टोरी के बारे में बताया। जब हमने ये स्टोरी सुनी तो हमें एक तरीके से खुशी भी थी कि यार चलो एक नई मूवी में काम करने का मौका मिल रहा है, और एक तरीके से हमें मतलब एक डिप्रेशन में चले गए कि अगर ठीक है मूवी में तो काम करने के लिए मिल रहा है, बट ये जो सब्जेक्ट था वो एक तो ऐसा सब्जेक्ट था जो मतलब कानों को सुना नहीं जा सकता और आँखों को देखा नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने आपको आप सबको बताया कि सबने सुना हुआ है और सबके कानों में ये खबर है कि भैरवान की हत्याकांड जो नागपुर में हुआ है, जिसमें एक परिवार की पूरी जान चली गई थी, पूरे गांव ने मिल के इस परिवार पे अत्याचार किए थे, 15 साल से अत्याचार किए थे, और एक टाइम ऐसा आया कि जिनको वो परिवार की तरक्की देखी नहीं गई और उन्होंने उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो वो फिल्म में जो मेन किरदार है भूषण नाम का, जो उस परिवार का बड़ा बेटा बड़ा सदस्य है, तो मैंने उसका कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको जो एक्टिंग किया आपने, किस तरीके से लगा, क्या लगा आपको? सबसे पहले तो मुझे एक्टिंग का ये तक पता नहीं था, सुदाम जी ने मेरे को उनके घर में 8 महीना रख के, 8 महीना साल भर रख के मुझे एक्टिंग सिखाया। उसके बाद कैसे परफॉर्मेंस करना है, कैसे वो मेरे से करा के ले सकते, उस तरीके से उन्होंने मुझसे काम करा के लिया। एक अच्छा एक्सपीरियंस था, पर जब हम लोग सीन शूट करते थे तब हमें ऐसा लगता था कि यार हम जो सीन शूट कर रहे तब जो हमें फीलिंग होता था कि यार हम ये क्या हो रहा है, तो जिन लोगों के साथ ये रियल में हुआ है, असलियत में हुआ है, उनको कैसा लगता होगा। तो बहुत बुरा भी लगा उसके लिए, और ऐसा लगता है कि मतलब जल्द से जल्द वो फैमिली के लिए न्याय मिलना चाहिए। और ये फिल्म जो है तेला वासवाया धावला होता हनुमान।